पंजाब मिल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीति आयोग की बैठक के जाने तो कर दिता इनकार। क्या पहला मुद्दे हल करे केंद्र सरकार। हालांकि मुख्यमंत्री मान का यह फैसला विरोधी धिरों को पसंद नहीं आया। तो उधर होर कि सूबे के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की मीटिंग शामिल होने तो इनकार किया। यह भी थोड़ा दस दें नाल ही दस दें कि नीति आयोग हुंदा की है तो इसका उद्देश की है। इस तो पहला नीति आयोग ने बहुत बार पंजाब के मुख्यमंत्री सीगे कैप्टन अमरिंदर सिंह जां चरणजीत चन्नी उन्होंने बुलाया कि मीटिंग दे विच आ जाओ, अपनियां मंगां रखो। पर बदकिस्मती पंजाब दी के उन्होंने इन्हां अहम मीटिंगां दे विच जाना वाजब नहीं समझिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी अरविंद केजरीवाल जी ने पिछे लग के पंजाब का नुकसान कर रहे हैं। अज नहीं जाएंगे तो कल जाना पे, कल नहीं जाएंगे तो परसों जाना पे। सो मैनू लगता है कि 5 साल तुसी सेंटर नाल जा नीति आयोग नाल गलबात कीते बिना स्टेट नहीं चला सकते। जेड सिक्योरिटी उन्होंने चाहिए सी, उन्होंने तरला मिन्त कर लिया तो जेड सिक्योरिटी उन्होंने मिल गई। रूरल डिवेलपमेंट फंड की मुख्यमंत्री साहब को लोड़ नहीं, इस करके केजरीवाल का हुक्म आ गया कि बाइकआउट करके बह गए। कदे विरोधियों नूं नीति आयोग की मीटिंग च ना जाण करके कोसण वाले भगवंत मान ने हुण खुद मीटिंग च जाण तों इनकार कर दिता है। दलील दिती है कि पहला मसले हल करे केंद्र सरकार। विरोध वजो मान ने फैसला लिया अते केंद्र सरकार नूं चिट्ठी लिख के मीटिंग च शामिल होण तों ना कर दिती है। भगवंत मान की तरह अरविंद केजरीवाल ते तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भी नीति आयोग की मीटिंग च शामिल होण तों इनकार किया है। इन्हां मुख्यमंत्रियों ने केंद्र ते सूबियां दे अधिकार खेतरां च दखल दे बांमरोड सियासत करन दा इल्जाम लाया। मुख्यमंत्री मान ने आरडीएफ बकाया जनहित स्कीमां च अड़िक्कियां सने किसानां नाल संबंधित होर मुद्दे हल ना होण करके नाराजगी जताई है। केंद्र वल पंजाब दा 3200 करोड़ रुपया बकाया। 2021 दे सौणी सीजन दा 1110 करोड़ रुपए, 2022 दे 250 करोड़ रुपए हाड़ी सीजन दा बकाया, सौणी सीजन दा 1112 करोड़ रुपए बकाया, यानी कि कुल 3200 करोड़ रुपए केंद्र वल बकाया ने। हालांकि केंद्र ने हुण कॉस्ट शीट दे विच आरडीएफ सिफर कर दिता है अते मंडी फीस 2% कर दिती है। आरडीएफ सिफर होण वाला मसला नजिठणा तां बाद दी गल है, पंजाब पुराना बकाया ही हासिल करन दे विच बेबस है। नीति जो कि जो पिछली बैठक थी जो अगस्त में हुई थी उसमें भी सीएम गए थे खुद, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो केंद्र सरकार है वो पंजाब की बाजू नहीं पकड़ रही, पंजाब के साथ एक मतरेई माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। अगर जो पिछली मीटिंग में उठाए गए जो एजेंडे थे, सवाल थे, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बनाना, उनको हल नहीं करना, तो मीटिंग में जाने का कोई उचित नहीं रहता है। हमारा आरडीएफ का 3200 करोड़ रुपया अभी तक रिलीज नहीं किया जा रहा है पंजाब का, वो हमारा राइट बनता है। इस बार भले उसको कम कर दिया हो, लेकिन जो पिछली बार का हमारा स्टैंड करता है वो अभी तक हमको जारी नहीं किया गया है। पराली का बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब के किसानों के लिए भी, आम जनमानस के लिए भी। सो पराली के मुद्दे पे हम लोगों ने केंद्र से कहा था कि कुछ आप लोग हमें हमारी मदद कीजिए, कुछ पंजाब स्टेट करेगी, तो वो भी पंजाब के किसानों की और सरकार की बाजू नहीं पकड़ी केंद्र ने, पंजाब की अनदेखी की जाती है। सो अगर ऐसा रहेगा तो मीटिंग में जाने का क्या उचित रहता है, वहां तो फिर फोटो खिंचवाना है, फोटो शूट होगा, बैठ जाओ चाय पीकर वापस आ जाओ। सो ऐसी मीटिंगों में जाने को अर्थ नहीं बनता, मैं समझता हूँ। खुद मान दे मंत्रियों ने बयान किया है कि फंड ना मिलन दा नतीजा है कि कई काम रुके पए ने। केंद्र दी मांग मुताबिक मान सरकार ने 13 अप्रैल 2022 नु पंजाब रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1987 च सोध कीती सी। मान सरकार ने केंद्र नु जताया सी कि पिछलियां सरकारां दी तरह निजी मुफाद दे लई फंड दी वरतों नहीं कीती जाएगी, पर मुख्यमंत्री दीआं कोशिशां दा नतीजा कुछ खास नहीं निकलिया। इस लई हुण मुख्यमंत्री खफा हो गए ने, पर विरोधी धिरां मान दे इस फैसले नु पंजाब विरोधी करार दे रहियां ने अते मान सरकार भले वास्ते उस नूं डिवर्ट करके और कम्मां च लाया ते सरकार ने कहा कि तुसी यूजेज सर्टिफिकेट जो कि तुसी इहनूं कित्थे इस्तेमाल कीता, तुसी अज तक नहीं दे सके। और हुण आरडीएफ की बैठक आरडीएफ के पैसे लैके तुम कह रहे अभी बैठक का बहिष्कार करा, जेकर थोड़ी भी कोई मंग हो या तो कोई मंग लैके आ क्या तुम्हें मन लेंगे, जी नहीं मानते मतलब आ कि बाइकआउट हो गया सारा कुछ, तुम अपनी दोबारा मंग लैके जाओ, जाके नीति आयोग को दसो कि थोड़े पैसे क्यों रोके जा रहे हैं। अज नहीं जाएंगे तो कल जाना पेगा, कल नहीं जाएंगे तो परसों जाना पेगा। सो मैनू लगता है कि 5 साल तुम सेंटर नीति आयोग
गलबात कीते बिना स्टेट नहीं चला सकते। और होर जिहड़े निजी मुद्दे आ बिल्कुल वो आपदे पंजाब दे हितां दी गल करनी चाहीदी हैगी आ, लेकिन नाल नाल सानू इहो जिहियां मीटिंग्स दे विच पार्टिसिपेट नहीं करांगे तां पंजाब दा होर नुकसान हो जाएगा। भगवंत मान नूं केंद्र ने 25 मई नूं जेड प्लस सुरक्षा कवर दित्ता है अते अगले दिन मान ने केंद्र दी मीटिंग च जाण तों इनकार कर दित्ता है। इस लई हुण विरोधियां दा इल्जाम है कि मान नूं पंजाब दे हितां दी थां निजी मुफाद वध प्यारे ने, कि जेड सिक्योरिटी उन्होंने चाहिए सी, उन्होंने तरला मिन्त कर लिया तो जेड सिक्योरिटी उन्होंने मिल गई। तो ये जी हैगी है रूरल डिवेलपमेंट फंड की मुख्यमंत्री साहब नूं लोड़ नहीं, इस करके केजरीवाल का हुक्म आ गया ये बाइकआउट करके बह गए। तो आप कहने धक्का होया तो हो सकता सी कोई होर सूबे के मुख्यमंत्री भी थोड़े नाल उत्थे सहमत होकर थोड़ी मदद कर दे। हुण तुसीं हुक्म मनदे केजरीवाल साहब का, उन्हों का हुक्म आ गया कि तुसीं जाना नहीं तो तुसीं इत्थे आराम नाल बह गए, फिर मैं बाइकआउट कर दिता, बाइकआउट नाल पैसे आ जाणगे। भगवंत मान के ऐलान तो बाद अरविंद केजरीवाल ने भी चिट्ठी लिख के अधिकारां दे मसले ते केंद्रीय ऑर्डिनेंस का विरोध जताते हुए मीटिंग च शामिल होने तो इनकार किया। जदों खुलेआम संविधान अते जनतंत्र की उलंघना हो रही है अते सहकारी फैडरलिज्म का मजाक बनाया जा रहा है तो फिर नीति आयोग की मीटिंग दे विच शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए मीटिंग दे विच मेरा शामिल होना मुमकिन नहीं होएगा। हुण तुहानूं इह वी दस दिंदे हां कि नीति आयोग की हुंदा है। भारत सरकार दीआं बहुत सारीआं नीतियां अते प्रोग्राम ने जो लोकां दी भलाई लई लागू कीते जांदे ने। इन्हां नीतियां अते प्रोग्रामां लई बहुत सारीआं रणनीतिक योजनावां दी लोड़ हुंदी है जो नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग द्वारा तय कीतीआं जांदीआं ने। नीति आयोग दीआं बैठकां दी प्रधानगी प्रधानमंत्री करदे ने। नीति आयोग भारत सरकार दा एक नीतिगत थिंक टैंक है जो सरकार दे वख-वख प्रोग्रामां अते नीतियां बारे जानकारी दिंदा है। नीति आयोग केंद्र अते राज सरकार दे नाल नाल केंद्र शासित प्रदेशां नूं सलाह दिंदा है। नीति आयोग राज्यां नूं इकट्ठे आउण अते राष्ट्रीय हित दे विच काम करन दे नाल नाल लोकां दीआं लोड़ां नूं पूरा करन लई इक सांझा प्लेटफॉर्म प्रदान करदा है। नीति आयोग दी स्थापना 2015 दे विच होई। पहला नाम योजना कमीशन सी जो 1950 तो काम कर रहा सी, पर बाद विच नाम बदल दिता गया। सूबे नाल मिल के काम करन लई इक सांझा प्लेटफॉर्म बनाउणा ते संघवाद नूं उत्साहित करना इस दा मुख मकसद है। समाज दे उहनां खेत्रां वल ध्यान देना जिथे आर्थिक विकास अते तरक्की तो लाभ नहीं होया, रणनीति तैयार करके राष्ट्रीय विकास नूं तरजीह देना, सरकार दीआं नीतियां ते प्रोग्रामां नूं लागू करन दी निगरानी अते मुलांकन करन दी जिम्मेवारी हुंदी है। नवीआं नीतियां लागू करन लई टैक्नोलॉजी अपग्रेडेशन अते समर्था निर्माण ते ध्यान देना हुंदा है। ऑर्डिनेंस दे मसले ते आम आदमी पार्टी ने बीजेपी खिलाफ मोर्चा खोलिया होया, विरोधी एकजुटता दा दावा कर रहे ने, इस लई 3 सूबिआं दे मुख्यमंत्रियां ने मीटिंग च जाण तों इनकार कर दित्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई च 27 मई नूं गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग होनी है। इस मीटिंग दे विच सेहत, स्किल डिवेलपमेंट, महिला सशक्तिकरण वर्गे मुद्दों ते फोकस होएगा। मीटिंग च सारे सूबे ते केंद्र शासित सूबे दे सीएम सने उप राजपालां नूं बुलाया गया है। ड्रग नैक्सस केस दे विच नाकाम है पंजाब पुलिस अते बैकफुट ते है मान सरकार। अजिहा इस लई क्योंकि 39 दिन हो गए ने, पर बर्खास्त AIG राजजीत सिंह नूं अजे तक पंजाब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। ते जदों सवाल हुंदा है पंजाब पुलिस दे अफसरां तो तां जवाब कोई नहीं मिलदा। DGP तां प्रेस कॉन्फ्रेंस छड के ही भज गए, सिर्फ धन्नवाद किया, पर DGP तो सवाल ए कि अजे तक ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी, वह भी उदों जदों ना सिर्फ मुख्यमंत्री भगवंत मान बल्कि अरविंद केजरीवाल भी वार वार पंजाब आके ये कहिंदे ने कि ड्रग नैक्सस केस दे विच कार्रवाई होएगी, नशा मुका दिता जाएगा, पर इस केस दे विच पंजाब पुलिस की रफ्तार बेहद ढिली है। महीने में हम नशा खत्म कर देंगे, हमारी सरकार आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज एक नई गारंटी दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे। इच्छा शक्ति चाहिए। ड्रग नेक्सस तोड़न दे दावियां दी सी पर मार। सिंडिकेट को खत्म करेंगे, नशा बेचने वाले पूरे गिरोह को खत्म करेंगे, माफिया को, नशा माफिया को खत्म करेंगे। आप सरकार पूरा नहीं कर सकी करार। पुलिस अधिकारियों को संदेश दिया जा चुका है कि नशे को बर्दाश्त नहीं करना, नशा बेचने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। राजजीत के सवालों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ DGP हुए पार। सर, AIG रणजीत सिंह को फरार हुए 40 दिन हो गए सर, गिरफ्तारी कब होगी? थैंक यू वेरी मच।
इन्ना परेशान तो शायद मुलजम राजजीत सिंह नहीं होगा जिन्ना परेशान राजजीत बारे सवाल सुन डीजीपी गौरव यादव हो जाते ने। मान सरकार ने ड्रग नैक्सस तोड़न की पाई सी दुहाई पर अजे तक पंजाब पुलिस राजजीत सिंह की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। गिरफ्तारी दूर की गल राजजीत सिंह बारे सवाल सुनन नु भी तैयार नहीं है पंजाब पुलिस। 39 दिन लंघ गए ने पर अजे तक अपने बर्खास्त अफसर का पता नहीं ला सकी है पंजाब पुलिस। वैसे छोटी जी रिकवरी से वड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब पुलिस जानकारियां दिंदी है पर ड्रग दे हाई प्रोफाइल केस च ना सरकार ही कुछ कह पा रही है ते पंजाब पुलिस दा हाल तो तुसी देख ही लिया। जरा सुनो लुधियाना च डीजीपी नु जदों पुछया गया कि राजजीत क्यों नहीं फड़िया गया तो थैंक यू दे इलावा कुछ ना बोल पाए ते उठ के चलदे बने। सर एआईजी रणजीत सिंह फरार हुए 40 दिन हो गए सर, गिरफ्तारी कब होगी? थैंक यू वेरी मच। सर एआईजी रणजीत सिंह फरार हुए 40 दिन हो गए सर, गिरफ्तारी कब होगी? थैंक यू वेरी मच। पहला चलो डीजीपी रटिया रटाया ही सही जवाब तो देंदे सी पर जिवें जिवें राजजीत की फरारी के दिन वधदे जा रहे ने डीजीपी बिल्कुल खामोश हो गए ने। डीजीपी साहब धन्नवाद तो पंजाब के लोग थोड़ा करना चाहणगे जिस दिन तुसी ड्रग नैक्सस दियां वड्डियां मच्छियां फड़ोगे। पर हुण सवाल तो यह है कि डीजीपी साहब पंजाब पुलिस राजजीत सिंह नूं फड़ नहीं पा रही या फिर फड़ना नहीं चाह रही। सवाल यह भी है कि जो मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल वार वार कहते ने कि ड्रग नैक्सस तोड़ना है, सख्ती बहुत करनी है, फिर भी पंजाब पुलिस टस तो मस क्यों नहीं हो रही? ड्रग नैक्सस केस पंजाब पुलिस को 3 FIR ते 2 वारंटी ने पर जो चाहिए वह लभ नहीं रहा। डीजीपी सने पंजाब के सारे आला अफसर जदों भी कोई छोटी मोटी रिकवरी करते ने तो कहते ने मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों से होया एक्शन। पंजाब पुलिस ने मानयोग सीएम साहब दी हदायतों ते बहुत इफेक्टिव काम किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान के निर्देशों मुताबिक पंजाब पुलिस ने जड़ी जंग नशे के खिलाफ छेड़ी है उस दे विच आज एक वड्डी सफलता मिली। डीजीपी साहब ड्रग नैक्सस केस च वी तां मुख्यमंत्री अते केजरीवाल दे दिशा निर्देश ने ओ निर्देश मनन च पंजाब पुलिस इन्नी ढिल्ली क्यों है? जरा एक बार मुड़ तो सुन लवो कि ड्रग ते कितनी सख्त है सरकार। हम आपको नशा खत्म करके दिखाएंगे, 3 महीने में हम नशा खत्म कर देंगे। हमारी सरकार आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज एक नई गारंटी दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे हम। इच्छा शक्ति चाहिए। पुलिस अधिकारियों को संदेश दिया जा चुका है कि नशे को बर्दाश्त नहीं करना, किसी को भी नशा बेचने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिदा नाम आ गया वो फड़ा जाऊगा। जिन्हें पंजाब की जवानी नू नशे दे विच गालन लई जां जिन्हें चिट्टे नाल चिट्टे सत्थर बिछाए लोगों के घर साड़ियां लखां मावां भैणां दियां चुन्नियां दे रंगले रंग चिट्टे कीते वो बख्शा नहीं जाऊगा। राजजीत तो जो अगे जावांगे जिहड़े वड्डे हैगे ने वो तो अजे पए ने, पर इस सख्ती का की फायदा? मुख्यमंत्री साहब थोड़ी पुलिस के कान से तो जू नहीं सरकती। डीजीपी तो सवाल सुनने को भी तैयार नहीं ने। डीजीपी साहब थोड़ी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों की गल होती है पर जब राजजीत की गिरफ्तारी की गल आती है तो तुम क्यों भुल जाते हो कि इस बाबत भी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री मान ने 17 अप्रैल को ट्वीट करके दिते सन। राजजीत को फड़न बारे थोड़ी की रणनीति है या फिर है ही नहीं, ये थोड़ा अख्तियार है कि तुम इस बारे दसना है या फिर नहीं, पर घट्टो घट पंजाब के लोगों को चंगी तरह जवाब तो दो कि राजजीत केस की स्थिति की है ते तुसी लंघे 1.25 महीने के अंदर इस केस च की कीता है। ड्रग के मुद्दे नू इन्नी गैर संजीदगी नाल ना लवो। हालात ये ने कि ना तो तुसी बोलदे हो ते ना ही हर सोमवार ड्रग के मुद्दे ते बोलन वाले थोड़े IG हैडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजी ने। थोड़ी पुलिस का हाल ये है कि थोड़े कहने के बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई अते जदों थानू राजजीत ते सवाल हुंदा है ते तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस छड के ही भज जांदे हो। भ्रष्टाचार के मसले ते चुनौतियां ते चेतावनियां दा दौर जारी है। मुख्यमंत्री मान दी चेतावनी ते साबका सीएम चन्नी ने जदों कार्रवाई दी चुनौती दित्ती तो हुण मान दे मंत्रियों ने भी कह दिता है कि इंतजार करो, कार्रवाई जरूर होएगी, पर मुख्यमंत्री दे वल्लों वरते गए लहजे ते विरोधी धिरां ने सवाल खड़ा कीता है। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ 31 ਤਰੀਕ ਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਆਓ
और थले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नू दो जी नू देना तुसी। मुख्यमंत्री साहब ने 31 मई का टाइम दिता तो वेट करनी चाहिए है, साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी नू वेट करनी चाहिए, कोई ज्यादा दिन नहीं गए। एवं फिल्मी स्टोरी बनाने का कोई मतलब नहीं गा, इन्हों गल कोई दम नहीं गा। तुसी आप किसी नू दोषी गिरदानी जाते हो एक टीवी खबर बनाने वास्ते, उसकी इनक्वायरी थले फ्री एंड फेयर किवें होएगी? भ्रष्टाचार से जारी है वार पलटवार, 31 मई का इंतजार। चरणजीत सिंह चन्नी मान की चेतावनी नूं चुनौती दे 31 मई तो पहला कार्रवाई मंग रहे ने, तो कांग्रेस सने होर विरोधी धिरां भी मान सरकार दुआले हो गई ने। हालांकि मान के मंत्री चन्नी नूं इंतजार करने की सलाह दे रहे ने। चार दिन पहला शुरू होया इल्जाम ते जवाबां दा सिलसिला, चार दिन बाद किस मोड़ ते मुकेगा ये अजे नहीं पता, पर आए दिन सीएम ते साबका सीएम की शब्दी जंग दिलचस्प होंदी जा रही है। यार तरीका कानू बनदा है, ये जेड़ा पंडी प्रचार है ये सीएम दा लेवल है करन दा। सीएम कोई दरखास्त आई है उदी इनक्वायरी मार करो और जो बनता उदा परचा दर्ज करो। ये जेड़ा ट्वीटो ट्वीटी खेलना यदा क्या मतलब? गाना देनदार है, मैनू जेड़ी मर्जी जेल च देना अंदर दो, लेकिन ये जेड़े झूठे ट्वीटो ट्वीटी खेलना बंद करो। जो थोड़े पास है 31 तरीक डीकण की लोड़ नहीं है, लियाओ और थले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नू दो जी नू देना तुसी। चन्नी जी नू खेना सबर करो, 31 मई नू 2 बजे मान साहब ने कहा, मुख्यमंत्री साहब ने तो उन्हें तत्थां दे आधार ते ही गल कीती होवेगी, जो क्या सबूतां ते तत्थां दे आधार ते ही क्या होवेगा, तो कोई गल नहीं वेट करो, देर या अंधेर नहीं, जो भी होगा कानून अनुसार ही होगा। मुख्यमंत्री साहब बड़े संसीयर ने, सूझवान ने, कोई भी गलत नहीं होगा। दिड़बा च एक समागम दौरान स्टेज तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चरणजीत सिंह चन्नी ते रिश्तेदारां दे जरिए खिडारी तो नौकरी बदले 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मंगन दे इल्जाम लाए सन, जिन्हां नूं चरणजीत सिंह चन्नी ने बेबुनियाद करार दिता सी। पर मुख्यमंत्री ने सच्चाई दसन लई चरणजीत सिंह चन्नी नूं 31 मई तक अल्टीमेटम दिता, पर चन्नी ने भी कह दिता कि 31 मई क्यों, तुरंत कार्रवाई करो। सीएम मान वालों दित्तियां जा रही चेतावनियां ते डेडलाइनस नूं हालांकि विरोधी सीएम अहुदे की गरिमा के खिलाफ मन रहे ने। चन्नी साहब नूं मैं कह दिंदा कि 2-4 दिन होर ला लो, भाणजिआं दे भतीजिआं नूं पुछ लो, हो सकदा तुहानूं पुछे बिना भी कम करदे होण, नहीं मैं प्लेयर सामने लै आउणा, फिर उहनां दी कुछ नहीं रहिणी। फिर उह नौकरी मिली नहीं, ना किसी नूं मिली, ना किसी ने लए, ना कोई दित्ते, फिर तुसीं कादी गल करदे हो? जे एडी गल है, तुसीं कल चन्नी साहब ने कहा कि केस रजिस्टर करदे हो उस गल दा, एवें फिल्मी स्टोरी बनाउण दा कोई मतलब नहीं गा, इहनां गल्लां च कोई दम नहीं गा। ये तमाशा लाने वास्ते संविधान के कितने लिखा कि तुम इदा तमाशबीनी करोगे कि तुम कहो कि मैं बंदा फड़ लिया, मैं बंदे सबूत कट्ठे कर लिया, उसके वास्ते एक सिस्टम है, तुम सिस्टम को सुपरवाइज कर। तुम आप किसी को दोषी गिरदानी जाते हो एक टीवी खबर बनाने वास्ते, उसकी इनक्वायरी थले फ्री एंड फेयर किवें होएगी? वैसे जदों मुख्यमंत्री मान ने अहुदा सांभिया उस तो बाद कई दफा चरणजीत सिंह चन्नी दे कार्यकाल दे फैसलियां सने होर मसलियां ते उन्होंने सवाल खड़े किए। विधानसभा दे अंदर सीएम मान ने विजिलेंस कार्रवाई दे मसले ते कांग्रेसियों वालों चुके सवालों दे जवाब च चन्नी दे कच्चे चिट्ठे खोलन की चेतावनी दे दित्ती सी, अते उस तो बाद आमदन तो वध जायदाद मामले च विजिलेंस ने चरणजीत सिंह चन्नी तो 14 अप्रैल नूं पुछगिछ भी की सी। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहब थीम पार्क के उद्घाटनी समागम च होए खर्च कपले दे विच भी किरे सन अते हुण रिश्वत मंगन दे इल्जाम सवालों च ने। पंजाब बोर्ड का 10वीं क्लास का नतीजा ऐलानिया गया ते कुड़ियां ने कमाल कीता। फरीदकोट की गगनदीप कौर पहले नंबर ते रही है ते फरीदकोट की ही नवजोत कौर दूजे नंबर ते आई, जबकि तीजे नंबर ते आई है मानसा की हरमनदीप कौर। दसवीं के नतीजे का ऐलान एक बार मुड़ कुड़िया ने किया कमाल। पंजाब बोर्ड ने दसवीं का रिजल्ट जारी कर दिता है। फरीदकोट की गगनदीप कौर ने 100% अंक लैके 10वीं टॉप किया है। फरीदकोट की नवजोत कौर ने दूजा, मानसा की हरमनदीप कौर ने तीजा स्थान हासिल किया है। तो इस बार 97.54% विद्यार्थी पास हुए ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टॉपरों नूं बधाई दी है ते टॉप करने वाली बच्चियों नूं 51,000 रुपए की इनामी राशि देने का ऐलान किया है। दसवीं के नतीजों में फरीदकोट की गगनदीप कौर ने टॉप किया है। गगनदीप ने 650 में 650 अंक हासिल किए ने। फरीदकोट की नवजोत कौर ने दूजा स्थान प्राप्त किया है। नवजोत कौर ने 650 में 648 अंक हासिल किए ने। मानसा की हरमनदीप कौर तीजे स्थान पर रही है। हरमनदीप कौर ने
650 ਵਿੱਚੋਂ 646 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 97.54% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। 281,327 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 98.40% ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 96.73% ਲੜਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ PSEB ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਟੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਰ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਓਵਰਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ? ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਓਵਰਆਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੋਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ 'ਤੇ। ਓਵਰਆਲ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 97.54% ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 97.76 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਪਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 97% ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟ ਮੁਖੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਡੀ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਗੇਮ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਮਾਜ 'ਚ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆਊਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਲੀ ਦੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਈ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਢਵਾਈ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੰਡਾਲੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 97.94% ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 99.35% ਲੜਕੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 98.83% ਲੜਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।